next, if mass of one atom is 3.32 into 10 to the power minus 23 gram, then calculate the number of neutrons present in two atoms of the element. तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे पहले तो आपको मास ऑफ जो न्यूक्लियस है वो पता होना चाहिए, जो कि 1.673 × 10²⁻²⁴ ग्राम है, और फिर मास ऑफ प्रोटॉन ये 1.675 × 10²⁻²⁴ ये रहे आपके मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे रहेंगे आपके। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को आप लिख लेंगे, मास ऑफ आपका जो प्रोटॉन है वो आपका 1.673 और फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है आपका 1.675 × 10²⁻²⁴ जो ये सब ग्राम में है आपके, ये आपने पहले लिख लिए। फिर आपको आपने फिर इससे जो है आपको ये 3.32 जो दिया हुआ है उसको डिवाइड कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि एक एटम में जो है वो एक एटम में जो है आपका एक एटम में कितनी कितनी नंबर ऑफ जो आपके न्यूक्लियॉन से पूछे थे, जैसे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एटम में जो है वो 20 नंबर ऑफ आपके न्यूक्लियॉन्स होंगे एक एटम में ही। तो आपको दो एटम में पूछा गया है, तो दो एटम में पूछा गया इसके लिए आपका हो जाएगा 40। अगर आप पहले तो आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन को निकालना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन को निकाल ले, फिर उससे जो है आप इस नंबर को मास ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स के लिए है वो उसके लिए आप या तो मास ऑफ प्रोटॉन या तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, आपको पता ही होता है वो दोनों में से कौन सा होता है, तो आप वो निकाल ले, दोनों को प्लस करके या तो आप डिवाइड कर दे जिससे आपको 10 मिलेगा, और फिर आप बता सकते हैं क्योंकि 10 ऐसे आपको दोनों के मास को प्लस करके मिला है, तो इसका मतलब है उसमें 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व है टोटल, तो 20 वैसे भी आप बता सकते हैं, या फिर आप इन्हें इंडिविजुअली किसी मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 20 मिल ही जाएगा। तो डैट मीन्स 20 आपके प्रोटॉन्स है तो उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी होंगे। आप कोई भी एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इन दोनों के मासेस को प्लस करके आप उसे 3.32 × 10²⁻²³ से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 10, और 10 जो आपको मिलने वाला है वो आपका होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वो जो 10 जो होगा उसे आप इंटू 2 कर दें, 10 जो आपको ये मिलेगा डिवाइड करने के बाद उसे आप इंटू 2 कर देंगे, आप 3.32 जो है वो लीजिए, 3.32 उसे आखिर आप इन दोनों के मासेस को प्लस कर ले, न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो आपको मिलेगा 10, जिसका आंसर आपको मिलेगा 10। फिर आप बता सकते हैं कि एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 20, क्योंकि 10 जो आपको मिला है मास वो आपको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को मिक्स करके मिलना है, तो एक में कितने हुए टोटल, तो आपको 20 हुए, तो आपका 2 में कितने होंगे 40। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर आप दोबारा इस तरह भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल किसी के मास से भी डिवाइड कर सकते हैं उसे कि चलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन से डिवाइड करें, तो आपको डायरेक्टली 20 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 20 न्यूट्रॉन है, तो 20 न्यूट्रॉन है तो इसका मतलब है न्यूक्लियॉन भी 20 ही बन सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन 20 तभी कैसे बनेंगे, 20 जो न्यूट्रॉन होंगे उनको आपको प्लस करना होगा 20 प्रोटॉन से, तो तभी तो आपका ये न्यूक्लियॉन बनेंगे। तो कितने न्यूक्लियॉन बन सकते हैं, जितने के आप न्यूक्लियॉन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस होता है, मतलब वो एंटिटी में दोनों को पकड़ा जाता है, तो आखिर न्यूट्रॉन 20 है तो मतलब तभी तो न्यूक्लियॉन भी 20 होगा ना, तो उस हिसाब से भी आप इसको 20 करेंगे तो इंटू 2 करके आप दो एटम के लिए निकाल सकते हैं। तो इस दोनों टेक्निक से आप निकाल सकते हैं और जवाब आएगा आपका 40। फिर नेक्स्ट